एक लड़की ससुराल वालों के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए अपनी माँ के साथ पुलिस स्टेशन गई। वहाँ का दरोगा बुजुर्ग था। अगले दिन लड़की और लड़के को परिवार वालों सहित बुलवाया गया। तब दरोगा ने लड़की से पूछा, क्या तुम्हारा पति मारता है? क्या तेरे ससुराल वाले कुछ कहते हैं? सब सवालों का जवाब लड़की ने नहीं में दिया। इस पर लड़की की माँ बोली कि आप बेकार के सवालों में मत उलझाइए, मेरी बेटी बहुत परेशान है। वो बुजुर्ग दरोगा पूरी स्थिति समझ गया। उसने लड़की की माँ से पूछा, बहन जी क्या आप घर में दही जमाती हो? लड़की की माँ बोली, हाँ मगर उसका इससे क्या लेना देना है। तब बुजुर्ग दरोगा ने कहा, बहन जी आप जब दही जमाती हो तो बार बार दही को उंगली मारकर जांचती हो? तब लड़की की माँ ने कहा, अगर बार बार उंगली मार के देखूंगी तो दही कहाँ जमेगा, वो तो खराब ही जमेगा। तब बुजुर्ग दरोगा ने कहा, तो बहन जी शादी से पहले लड़की दूध थी, अब उसको जमकर दही बनना है और आप बार बार उंगली मारेगी तो वह ससुराल में बसेगी कैसे? आपकी लड़की ससुराल में परेशान नहीं है, आपकी उसके घर में दखलंदाजी ही उसकी परेशानी का कारण है। उसे उसके ससुराल में एडजस्ट होने की शिक्षा दीजिए, ना कि गलत करके अपने घर को खराब करने की। दोस्तों दरोगा की बात से सहमत है तो यस लिखे। बातें अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें।